अस्सलामुअलैकुम। तो नाज़रीन, मैंने कचूटा से अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है और मेरी जो अगली डेस्टिनेशन है वो है बाशू वैली। अपर कचूटा से मैं निकला हूँ और अपर कचूटा तक जो पहुँचने की दास्तान सफ़र थी वो मैं आपको सुना चुका हूँ और दिखा भी चुका हूँ, वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। अभी मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज मेरा प्लान है कि मैं बाशू वैली देखूँगा और बाशू वैली को मैंने बहुत देखा है वीडियोज़ में और मैं काफ़ी अरसे से, तकरीबन एक साल हो गया इस दिन का वेट कर रहा था कि मैं बाशू कब पहुंचूंगा। इंशाल्लाह मैं पहुंच के आपको दिखाऊंगा भी। और ये जो अभी कचूरा रोड है, ये जो जगलोट स्कर्दू रोड है, ये बहुत ही मज़े का रोड है। रात को तो मैं लेट नाइट पहुंचा था तो उस तरह मैं नज़ारे नहीं देख सका, अभी तो मैं तसल्ली से देख रहा हूँ। ये जो सामने है ये आपको स्कर्दू नज़र आ रहा है और ये दरिया अभी बिल्कुल खाली पड़ा है क्योंकि सर्दियाँ तकरीबन आ चुकी। एंड दिस रोड नेवर सीज़ टू अमेज मी। बेहतरीन एक एक करके नज़ारे आते जाते हैं, बंदा इन्जॉय करता जाता है। कानों में हेडफोन्स हो, बाइक हो, आप हो, स्कर्दू की धूप हो, क्या ही मज़ा है यार, अनबिलीवेबल। आई एम इन्जॉइंग दिस एंड आई विल कीप ऑन इन्जॉइंग आई गेस टिल बाशू। ये पूरा जो जीबी है और जिसमें स्कर्दू, गिलगित, हंजा, ये सारे इलाके आते हैं, इनका इनकी अच्छी बात ये है कि इनका लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, शराह खानगी इनकी काफ़ी ज़्यादा है, तालीम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तकरीबन 90s में आते हैं, तो बहुत महजब लोग हैं। यहाँ पे आपको जो भी बंदा मिलेगा बड़े महजब तरीके से बात करेंगे, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है और ये इस इलाके की एक खसूसियत है। वेन एवर यू विजिट जीबी, इट्स माई एडवाइस यू मस्ट इन्जॉय द कंपनी ऑफ दिस लोकल्स। ये बहुत ही नाइस कंपनी देते हैं और आपके साथ घुल मिल जाते हैं, आपको ऐसे लगता है जैसे आपको बरसन से जानते हैं इनको। ये बड़ी अच्छी चीज़ है इनकी। ये जो सारा रास्ता है ये मैं रात को चूँकि अंधेरे में मैंने किया था, मैं लेट नाइट पहुँचा था, खैर लेट नाइट तो नहीं, तकरीबन मगरब के टाइम पहुँचा था, मगरब के घंटा बाद, लेकिन ये अंधेरा था तो इतने मैं उस तरह व्यूज़ देख नहीं सका, लेकिन ये वाकई बहुत प्यारा है। बिल्कुल नया रोड बना हुआ है, अभी कुछ अर्सा पहले इसका इफ्तिताह हुआ था और बिल्कुल कारपेटेड रोड है। यहाँ से थोड़ा सा आगे से फिर एक रोड से नीचे रास्ता उतरता है जो कि बाशू के लिए जाता है, वहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट होती है, कच्चा रास्ता है टोटल, वो काफ़ी मुश्किल ट्रैक है वहाँ जाना है। तो वैसे मैं बाशू के लिए मेरा प्लान तो ये था कि मैं कैंपिंग करूँगा, मैं सामान लाया हुआ भी हूँ, मेरे पास टेंट भी है, अपना सामान भी है, पावर बैंक्स भी हैं, सब कुछ रखा हुआ है। देखते हैं क्या मूड बनता है, लेकिन जितनी ठंड है वो देख के फिर मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं अभी कैंपिंग करूँ, क्योंकि इंतज़ामी लिहाज से काफ़ी मुश्किल होती हैं। एक तो सर्दी काफ़ी है, फिर ऊपर से बग़ैर वो नर्म गुदास बैठ के आपको मज़ा भी नहीं आता। तो देखते हैं क्या बनता है, बाशू जा के मैं कोई प्लान बनाऊंगा। फ़िलहाल तो मैंने सिर्फ देखना है बाशू को, एक बार अपनी लाइव नज़रों से देखना है, जिसके लिए मैं इधर आया हूँ। ये देख रहे हैं रोड किस तरह बिल्कुल सांप की तरह बल खाता हुआ रोड जा रहा है आगे, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड है, आँखें बंद करके भी आप चला सकते हैं इस रोड पे, आपको कोई टेंशन नहीं है कि कहीं पे बम्प आएंगे, कहीं के रोड टूटा हुआ होगा। अपार्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट 100-200 मीटर्स ऑफ पैच, वहाँ पे स्लाइडिंग होती है, वो शुरू से ही ऐसे है, उस पर स्लाइडिंग होती है, मजबूरी है, रोड बना हुआ है लेकिन वो स्लाइडिंग वजह से टूट चुका है। तो उसके अलावा बिल्कुल मज़े का रोड है, सारा रोड ऐसे ही है, 167 किलोमीटर जो कि जगलोट से स्कर्दू तक बनता है, पूरे रास्ते आप बिल्कुल क्रूज़ कंट्रोल मोड पे आते हैं। हेयर आई एम अगेन इन द वुड्स। आप अगर स्कर्दू आएँ तो इस तरह के रोड्स याद ही हो जाएंगे, मैं इसे एक दिन में इतने देख चुका हूँ और
जब देखता हूँ मैं अमेज़ होता हूँ, हैरान कौन है, ये बहुत मज़े के हैं। बस दिल करता बंदा ड्राइव करता रहे इनमें। इधर की सीरेनिटी एक अपने लेवल की है, मतलब कोई शोर शराबा नहीं है, ट्रैफिक तो बिल्कुल आनी जानी है थोड़ी बहुत, थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई गाड़ी मिल जाती है आपको, लेकिन एक नेक्स्ट लेवल खामोशी और सुकून है यहाँ पे। यहाँ पे आप बैठ जाओ, इन्जॉय करो, आपको कोई तंग नहीं करेगा, किसी किस्म का शोर शराबा नहीं होगा, यू लव इट। और आई शुड रिकमेंड के यू मस्ट कम हियर, स्कर्दू आप लाजमी देखें, नेक्स्ट लेवल जगह है ये। बाशु मोड़ का अभी बोर्ड आ गया है, तकरीबन 200 मीटर आगे रह गया बाशु मोड़, और 200 मीटर के बाद मोड़ आएगा। मोड़ तो खैर नहीं है, वो रोड के साथ ही है, और वहाँ से मैंने नीचे उतरना है, तो बस अभी मैं वहाँ से उतरूँगा, इंशाल्लाह ऑफ रोडिंग स्टार्ट करूँगा और देखते हैं ट्रैक किस तरह के। वैसे ऑफ रोडिंग मैंने पहले की तो है काफ़ी, लेकिन हर बार नए चैलेंजेस होते हैं, लेट्स सी। सो आई गॉट ऑन टू द पाशु वैली ट्रैक, और इसके स्टार्ट से ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझे किस किस्म का रोड मिलेगा आगे। अच्छे खासे पत्थर हैं यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कच्चा रास्ता है, ये सामने पुल नज़र आ रहे हैं, इसको मैंने क्रॉस करके लेफ्ट जाना है, और आगे मुझे नहीं पता, लेकिन अंदाज़ा हो गया इसी तरह ही का रोड होगा। चलो जैसा भी हमने करना तो है। तो ये रहा ब्रिज, मैंने सोचा मैं आपको भी ज़रा ब्रिज दिखा दूं, और इस पे तो ड्राइव अच्छी खासी मुश्किल हो रही है। एक हाथ पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ एक हाथ से, और एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है फिल्मिंग के लिए, और ब्रिज टोटी ये लकड़ी का बना हुआ है। तकरीबन मैं एंड पे लग ही गया हूँ, पहुँच गया हूँ अल्लाह अल्लाह करके। ये मैं तकरीबन हाफ वे ऊपर आ गया हूँ, और ये अब शार चेक करें, ये ऊपर से ही बाशु से आ रही है और ये नीचे एंड तक जा रही है, कमाल का नज़ारा है यार ये। जी तो बहनों और भाइयों, मैं बाशु वैली पहुंच चुका हूं, और अच्छी खासी मुश्किल हुई है एक दो जगह पे, बाकी तो अच्छा गुजर गया था। कुछ बीच में एक दो स्टीप हाइट्स ऐसी थी जहां पे मुझे बिल्कुल बाइक से उतरना पड़ा और एक्सेलरेटर के साथ मुझे चढ़ानी पड़ी है, लेकिन रहे यार मैं जितनी भी मुश्किलें आए कबूल हैं। सो हेयर आई एम इन टू बाशु वैली, अनबिलीवेबल, मेरे यहाँ वाकई आके पैसे पूरे हो गए। अभी मैं इधर तसल्ली से बैठ के इधर पानी इंजॉय करूँगा, यहाँ का मौसम इंजॉय करूँगा। ये मुझे कुछ आगे बाइकर नज़र आ रहे हैं जो पहले ही इधर आए हुए हैं। क्रॉस करके एक साइड से यहाँ पे आया हूँ, ये सामने जो टेंट है यहाँ पे सारे लोग बैठे हूँ। मैं इधर आया हूँ घास में लेटने के लिए, थोड़ी देर लेटा हूँ, और मैं जो भी मेन मकसद है यहाँ आने का वो है ये काम। अभी पानी इतना ठंडा, मैं चैलेंज करता हूँ आप एक मिनट इसमें अगर रखें, रख के कोई बंदा दिखा दे, इम्पॉसिबल। जब आप बाशु में एंटर होते हैं तो अगर आप वही रास्ता जो है वो सीधा आ जाए,
राइट होने के बजाय, मतलब बाशु के अंदर जाने के बजाय, तो वो आगे आता है आइस केव नाम की जगह है, जहाँ पे एक केव है उस तरफ रास्ता बहुत है, वहाँ पे ये एक बड़ा प्यारा सा ग्राउंड है। मैं अभी नीचे जा के आपको दिखाता हूँ, ये बहुत मज़े की जगह है। मैं इसको खड़े होकर देख रहा हूँ, यहाँ तो अच्छा खासा मतलब एक व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जाके अभी। ये देखें आप, ये अच्छा खासा खुला एक ग्राउंड बना हुआ है यहाँ पे, और ये नेचुरल है, कोई उस तरह नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है ये। दिस इज अ परफेक्ट स्पॉट फॉर क्रिकेट ग्राउंड, इवन अ हार्ड बॉल ग्राउंड, टोटली अ प्लेन सरफेस। तो गाइस मुझे भी यहाँ पे आए हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, 2.5 घंटे हो चुके हैं बल्कि। अभी मैंने फैसला किया कि मैं अभी वापस निकलता हूँ, क्योंकि शाम पड़ रही है और वापस मैंने भी अपर कचूरा लेक भी पहुँचना है, वो भी मेरे गेस्ट रूम के पास ही है, तो वो मैं देख लूँगा। ये वो रास्ता है जिसकी मैं बात कर रहा था, आते हुए मैं इससे आया था, आते हुए मैंने वीडियो में नहीं सोचा अभी मैं आपको दिखा दूँ। ये पाशु सेंटर हो तो सीधा ये रास्ता इधर आ जाता है, और ये आगे जाके वो जो आपके पत्थर नज़र आ रहे हैं वहाँ से ऊपर पैदल चढ़ना पड़ता है, और पीछे उसके बिल्कुल वहाँ पे वो ग्राउंड है। अभी मैं यहाँ से वापस निकलूँगा, और उम्मीद है कि 1.5 या मैक्सिमम 2 घंटों के अंदर मैं कचूरा पहुँच जाऊँगा, और यानी तकरीबन 4:15 के करीब मैं तकरीबन कचूरा पहुँच जाऊँगा। मेरे पास पीछे फिर आधा घंटा होगा मगरब तक कचूरा देखने के लिए, वो मेरे गेस्ट रूम के बिल्कुल करीब है। होपफुली आई विल मेक इट इन टाइम। सो दिस इज़ इट, बाशु वैली का एक इंतहा मज़े का ट्रिप मेरा अभी ख़त्म हुआ है। मैं वापस आ चुका हूँ नीचे, डिसेंड मैंने कर ली है वापस ऑन टू जगलोट्स का दरोड, और अभी यहाँ से मुझे तकरीबन आधा घंटा लगेगा, 20-25 मिनट लगेंगे हार्डली कचूरा पहुँचने के लिए, जहाँ मेरा गेस्ट रूम है वहाँ मैं रात अभी क्याम करूँगा। फ़िलहाल मेरा मूड है कि मैं कचूरा देख लूँ, ऊपर कचूरा लेक वो बिल्कुल साथ ही है। उसके बाद कल का भी मेरा ये प्लान है इंशाल्लाह कि कल मैंने जाना है गोल्ड डेजर्ट और शिगर वैली की तरफ, वो उसका भी व्लॉग इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगा, वो आपको दिखाऊंगा भी। अभी आज के लिए तो इतना ही है, मेरा सफ़र अपने ख़त्म को पहुँचा। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर टुमारो इंशाल्लाह।